अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हमेशा की तरह आज भी मेरा ब्लॉग नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। आज जो है मैंने बिरयानी बनानी थी, तो नाश्ता बस मैंने कोई सा कर लिया था, बनाना लिया था और मैंगो शेक बना लिया था। मैंने कुछ जो है कुक नहीं किया था। अच्छा जी, बिरयानी आप देख लें, मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। फुटेजेस मैंने वैसे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तो यहीं पर जो है वो फुटेज यहीं से स्टार्ट हो रही थी। पता नहीं शायद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी या क्या इशू था। खैर, प्याज ही आप लोगों ने फ्राई करने और उसमें चिकन डाल लेना है। साथ ही साथ ये मैंने राइस जो थे बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इसमें कुछ खड़े जो गर्म मसाले होते हैं वो डाले थे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगें और दालचीनी। उसके बाद जो चिकन मैंने ऐड किया था, प्याज ब्राउन हो गए थे, उसमें चिकन को फ्राई कर रही थी। चिकन का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन करना था। उसके बाद इसमें बाकी मसाले वगैरह ऐड करने थे, मसाले, टमाटर या जो भी चीज़ें आप लोग ऐड करते हैं। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, हम इसी तरीके से बिरयानी बनाते हैं, लेकिन बिरयानी जो है मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही थी अकेली। अदरवाइज़ मेरी अम्मा के साथ मैं हेल्प करा देती हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि सारी जो है वो मैं ही रेडी कर रही हूँ। तो आप ये रेसिपी भी देख लें, अगर आपकी रेसिपी से डिफरेंट है तो आप इसे भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे बिरयानी बहुत मज़े की बिरयानी ये जो है बनी थी। अच्छा, ये टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हम लोगों ने नमक, मिर्चें और धनिया ऐड कर दिया था, धनिया पाउडर। और इसके अलावा ना मैंने जो था इस सबको ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर आपको ना कुक करने में, चीज़ों को गलाने में। और साथ ये नेशनल का बिरयानी मसाला था, ये पूरा का पूरा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था। मिर्चें वगैरह घर से भी ऐड की थी, लेकिन ये है कि इस मसाले में भी आपको बहुत जो है वो हेल्प आउट हो जाता है, इससे आपकी बिरयानी जो है वो बड़ी मज़े की ऑथेंटिक सा टेस्ट आता है। तो बस मैंने ये मसाला ऐड कर दिया था। खड़े मसाले वगैरह जो थे, साबुत जो मसाले होते हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए थे, क्योंकि मैंने वो राइस में ऐड कर दिए थे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। बस ये आप करके उसके बाद आप किचन से बेशक चले जाएं। अच्छा, आलू बुखारे, इमली वगैरह भी हम ऐड करते हैं, लेकिन आज आलू बुखारे भी घर में थोड़े से थे और इमली तो पता नहीं कहाँ रख दी थी मेरी अम्मा ने, मुझे मिली नहीं। मैंने पूरे किचन में देखा लेकिन मुझे इमली कहीं नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि फिर बिरयानी में जो है इमली ऐड नहीं करते। लेकिन अगर आप लोगों के पास इमली है तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, इसको मैं पकने के लिए बेसिकली रख दिया था। और ये साथ जी कुछ मसाले हैं जो कि दम के टाइम पे ऐड करने हैं। टमाटर लिया है मैंने, पुदीना लिया है, लेमन लिया है, मिर्चें ली हैं, आप ये देख लेंगे। बस मैंने इनको कट करके अच्छे तरीके से रख लिया था, जितनी देर में मेरा गोश्त गल रहा था उसकी भुनाई वगैरह हो रही थी, तो मैंने जो है ये चीज़ें कट कर ली थी ताकि जो थोड़ा सा टाइम है वो बच जाए। अच्छा, थोड़े से लेमन मैंने इस जो चिकन था उसकी ग्रेवी में ऐड कर दिए थे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इमली ऐड नहीं की थी तो फिर मुझे था थोड़ी सी खटास जो है वो लेमन से आ जाएगी, लेमन के जूस से जो है वो अच्छा सा जायका बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख लें, अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है वो गल रहा है और इसके अलावा इसकी ग्रेवी जो है वो भी बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जी राइस को भी स्टेन कर लिया था, अब ये ग्रेवी रेडी हो गई है। आप देख रहे होंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो ऑयल है ना वो ऐड करते हैं तह लगाते हुए अपने पतीले की बेस में भी और हर लेयर में। अब यहाँ पर जी मैं तह लगाने लगी हूँ, राइस रेडी हो गए थे, राइस तो पहले ही रेडी हो गए थे, खिले खिले से बने थे। उसके बाद कौरमा भी रेडी था जो बिरयानी के तह में लगना है। उसके अलावा ये ज़रदा रंग मैंने ले लिया था, ऑरेंज सा कलर था, और ये सारी बाकी चीज़ें लेमन वगैरह जो हम लोग तह में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बड़ा पतीला ले लिया था ताकि खुले में जो है आराम से बिरयानी बन जाए और दम के टाइम पे ना बहुत जो है चावल अच्छे खासे जो है सेट रहें, टूटे ना। अच्छा, सबसे पहले मैंने पतीले में नीचे, क्योंकि नॉन स्टिक नहीं है तो ऑयल लगाया है, घी बेसिकली मैंने ऐड किया है, और उसके बाद राइस की एक लेयर आ गई, फिर ये जो कोरमा था वो ऐड कर दिया है, और अब इसके साथ जो है दोबारा से राइस की ही लेयर ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है ये मसाले वगैरह जो मैंने टमाटर थे, प्याज भी थे, बल्कि फ्राई किए हुए प्याज भी मैंने रखे थे, पुदीना था, और बाकी सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये मैं इसकी लेयर में लगा दूंगी। अच्छा, आप लोग अगर बिरयानी बनाते हैं तो लाजमी ये ऑयल डाल दिया करें, बेशक अपने कोरमे में कम रख लें, लेयर्स में ज़रूर डालें, तो चावल बहुत मज़े के खिले खिले से भी बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये लेमन शेमन सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, और इसके बाद दोबारा से कोरमा। अच्छा, मुझे लेयर्स लगाना बहुत मज़े का लग रहा था काम, लेकिन मुझे ना आइडिया नहीं हो रहा था कि पहले मैंने लेयर्स में कहाँ पर ज़्यादा मसाला जो है वो ऐड करना है, कहाँ पर कम, कहाँ पर चिकन होना चाहिए। तो बस मैं रैंडमली सारे में फैला तो रही थी, और ये देख लें ये मिसहैप हुआ था एक, बहुत ही मुझे इतना दुख हुआ इस टाइम पर, लेकिन शुक्र है मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ लेयर्स में। और जब मैंने जो
नमक दानी होती है ना, लाइक वो छिड़कते हैं जैसे, मैं उससे जो है वो छिड़क रही थी, स्प्रिंकल कर रही थी। मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा ना डल जाए, और जैसे मैंने स्प्रिंकल करने के लिए हाथ से उसको हिलाया तो पूरी की पूरी जो शीशी थी ना वो बिरयानी की इस लेयर में चली गई। और मुझे उस टाइम पर इतना दुख हुआ, फिर क्या किया जी, मेरी अम्मा को मैंने बुलाया और मैंने दिखाया कि ये हो गया सारा का सारा, वो तो तबाही हो गई थी। लेकिन खैर उन्होंने वो सारा का सारा जो पोर्शन, जिस पोर्शन में ये चाट मसाला गया था, उसको निकलवा लिया था और फिर से हमने लेयर्स लगाना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जैसे ही ये मसाला जो था, चाट मसाला गिरा था, मेरे तो दिमाग में ऐसा अफसोस मुझे शुरू हो गया था, मैं दिमाग घूम गया था कि यार ये मेरे से कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो गई। लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बिरयानी जो थी वो बहुत ही मज़े की थी, बनी थी। चाट मसाला आप लोग ऐड कर लिया करें, उससे बहुत मज़े का जो है वो टेस्ट आ जाता है, थोड़ी सी स्पाइसी सी बिरयानी बन जाती है। तो यहाँ पर जी लास्ट लेयर में हम लोगों ने बातें करते करते जो है बिरयानी की सारी लेयर्स लग गई हैं। वो सिंपल सा तरीका था, आपने देख ही लिया होगा और आपको आता भी होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर सबसे एंड पे जो है हमने वो फूड कलर ऐड कर दिया था, और अब इसको दम पे रख दिया, तवे पे मैंने जो है वो दम दिया था ताकि बिरयानी नीचे सा ना लगे और जो है राइस हमारे वेस्ट ना हो। अच्छा यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे मैंने ना दम को कच्चा ही खोल लिया था, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे बस ये था जल्दी जल्दी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाए, मैं टेस्ट कर लूँ कैसी बनी है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से नीचे तक सारा कलर जो है लेयर्स में उसको फैला रही थी, बिरयानी की जो है वो मैंने सारी की सारी पलटना शुरू कर दी थी। लेकिन इस टाइम बिरयानी रेडी नहीं थी, और फिर मैंने क्या किया, थोड़े से राइस जो हैं वो अपने लिए निकालिए थे, ये यहाँ पर मैं राइस ही सेपरेट करी थी, मुझे क्योंकि क्यूरोसिटी इतनी हुई थी कि बस फटाफट से मैं चेक कर लूँ मैंने कैसे बनाया। तो बस अब मैंने दम तो खोल दिया था, तो मैंने अपने लिए जो हैं वो निकाल दिए, और यहाँ पर जी अब बिरयानी रेडी हो गई है। खैर मैंने आइडिया पहले ही कर लिया था, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, और जब इसको दम आ गया तो बस फिर मैं ये घर वालों के लिए बिरयानी निकाल रही हूँ, और ये बहुत 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 अच्छी बनी थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतनी अच्छी बिरयानी बना लूँगी। एक बस इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने बिरयानी मसाले की वजह से, मेरे जो फादर हैं उनको स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने कम स्पाइसी रखी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो ज़्यादा स्पाइसी बनाऊँगी, और यहाँ पर जो है मैं पहले खा चुकी थी, अब मैं फाइनल जो रेडी हुई थी ना उसको ट्राई करने लगी थी, उसको टेस्ट कर रही थी, साथ मैंने कोक निकाल ली थी। बस यही पूरा दिन की आज मेरी मशक्कत थी, और बिरयानी बनाना ये जो मर्द हजरात फरमाइशें डालते हैं ना, बहुत मुश्किल काम है, ये तो साल में एक दफ़ा बननी चाहिए। ख़वातीन का पूरा दिन किचन में लगता है, और अगर बिरयानी बनानी हो तो पूरा दिन सिर्फ बिरयानी बनाने में ही लग जाता है। तो बस ये खाना शाना खा के रात के टाइम पर मैं जो है ये मैंगोज़ खा रही थी, क्योंकि ये जो बादशाह साहब हैं अब ये जाने वाले हैं, तो मैंने कहा फटाफट से जितने मैं खा सकती हूँ मैं खा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत दिल करता है मैंगोज़ खाने का। तो बस यही मेरा व्लॉग था, रात में जो है मैंने बिरयानी रेडी ही हमारी साथ भी चली थी, तो रात का खाना ही बिरयानी थी, और लेट नाइट जो मुझे क्रेविंग्स हो रही थी उसमें फिर मैंने ये आम को खा लिया था। बस ये मेरी आज की वीडियो थी, आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।